नमस्कार, आप देख रहे हैं हम खबर और मैं हूं कृतिका भटनागर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आगे आने वाली सभी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। कोविड-19 की दूसरी लहर के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित खान मार्केट फिर से सुर्खियों में है। मशहूर व्यवसायी नवनीत कालरा के खान चाचा रेस्टोरेंट से मिले सैकड़ों ऑक्सीजन कंटेनर ने इसे सुर्खियों में ला दिया है। खान मार्केट को दुनिया की सबसे महंगी मार्केट्स में शुमार किया जाता है। यह मार्केट कई वजहों से खास है और इसे दिल्ली का दिल भी कहते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पर कभी शॉपिंग करने तो कभी जायकेदार पकवानों का लुत्फ उठाने आते हैं। आइए आपको इस मार्केट की कुछ खास बातों के बारे में बताते हैं। खान मार्केट की शुरुआत सन 1951 में हुई थी। इस मार्केट का नाम स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल गफार खान के भाई अब्दुल जब्बार खान के नाम पर रखा गया था। इस मार्केट का यह नाम बंटवारे के बाद भारत आकर बसे अप्रवासियों ने दिया था। कहते हैं कि विभाजन के समय जब सांप्रदायिक तनाव चरम पर था तो उस माहौल में अब्दुल जब्बार लाखों हिंदुओं को पाकिस्तान से सुरक्षित निकालकर भारत ले आए थे। जिस समय मार्केट शुरू हुई उस समय बंटवारे के बाद अप्रवासियों को मिली जमीन पर बनी दुकानें थीं। जहां ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें थीं तो पहले फ्लोर रहने के लिए बने थे। जैसे जैसे समय बीतता गया रहने की जगह रेस्टोरेंट्स और दुकानों ने ले ली। कहते हैं कि शुरुआत में यहां पर बस 3 ही दुकानें थीं। ये अप्रवासी पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत से आकर बसे थे। 50 के दशक में पाकिस्तान से आए 70 परिवारों में से अब सिर्फ 3 ही परिवार ऐसे हैं जो दुकानों के ऊपर बने फ्लैट्स में रहते हैं। यहां पर टेलर से लेकर डॉक्टर और जनरल स्टोर से लेकर खिलौने और स्टेशनरी तक की सभी दुकानें मौजूद हैं। शुरुआत में दुकान का किराया बस 50 रुपये महीना था और यह किराया 420 स्क्वायर फीट की दुकान के लिए था। सन 1956 में पुनर्स्थापन मंत्रालय की एक योजना के तहत 6,000 रुपये किराए पर दुकान अलॉट की गई। आज यहां पर करीब 155 दुकानें हैं। आज यहां पर बनी दुकानों के लिए किराए के तौर पर हर माह 6 लाख रुपये तक अदा करने पड़ते हैं। कुछ साल पहले दीपक तंवर नाम शख्स ने पूर्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह से अपील की थी कि खान मार्केट का नाम बदलकर वाल्मीकि मार्केट कर दें। इस प्रस्ताव का खान मार्केट के दुकानदारों ने खासा विरोध किया था। साल 2019 में खान मार्केट दुनिया का 20वीं सबसे महंगी बाजारों की लिस्ट में शामिल हुई। खान मार्केट को जिस लिस्ट में शामिल किया गया था उसमें पहले नंबर पर हांगकांग की कॉसवे बे, फिर न्यूयॉर्क की अपर फिफ्थ एवेन्यू सेमेंट, लंदन की न्यू बॉन्ड स्ट्रीट, पेरिस की एवेन्यू दी चैम्प एलेसी जैसी हाई क्लास मार्केट शामिल है। आज के समय में खान मार्केट वकीलों, राजनेताओं, टीचर्स और जर्नलिस्ट का फेवरेट अड्डा है। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बने रहिए खबर के साथ।